brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि सोनीपत से ऐसा उम्मीदवार आएगा शायद भारतीय जनता पार्टी को मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा। लगातार बीजेपी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस में बहुत बड़ी फूट है, वो अपने परिवार को नहीं संभाल पाते तो प्रदेश को और देश को कैसे संभाल। पुराना लीडर है कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, ये मैदान में आएंगे लोकसभा में। देश में लोकसभा चुनाव का उद्घोष हो चुका है और बीजेपी ने अपने हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है। खरखोदा से विधायक जयवीर वाल्मीकि हमारे साथ हैं। विधायक जी, इतनी देरी क्यों है उम्मीदवार आने में? देखिए, देरी नहीं होती, ये हर चीज़ देख के चलना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं तो उनके लिए मजबूती से कौन उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से होगा इन पर विचार किया जाता, बाकायदा हर चीज़ को देख कर। जातीय समीकरण भी होते हैं, कई चीज़ें और भी होती हैं, तो इसलिए थोड़ा समय लगता है। और फिर कांग्रेस पार्टी बारीकी से एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि आज जनता हरियाणा की व पूरे देश की आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है और जनता का मूड भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अब जो भी उम्मीदवार उतारे जाएंगे, जीतने वाले उम्मीदवार होंगे, हरियाणा की 10 सीटों पर कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और 10 सीटों पे कांग्रेस परचम लहरा के दिखाएगी। इसीलिए दे रही है कि हर कैंडिडेट पर मंथन अच्छा हो, मजबूत कैंडिडेट हो, उनको उतारे। सोनीपत में कौन हो सकता है? देखिए, सोनीपत में भी मैं यूँ तो बता नहीं पाऊँगा, आज शाम तक सारी स्थिति शायद स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि सोनीपत से ऐसा उम्मीदवार आएगा शायद भारतीय जनता पार्टी को मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा उसे। क्या आपकी बार जातीय समीकरण देखकर लोकसभा में उम्मीदवार उतारे जाएंगे? देखिए, मैं पहले भी बताया, समय इसलिए लग रहा है कि हर चीज़ को बारीकी से देखा जाता। और ये देखिए, यहाँ से टिकट मांगने वालों की संख्या सोनीपत से सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? इसलिए ज़्यादा है कि लोग आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं और इसलिए हर कोई चाह रहा है सोनीपत की टिकट मेरे हाथ में आए। और यहाँ हर कैंडिडेट, हर उम्मीदवार, हर जिसने भी यहाँ अप्लीकेशन दी है कांग्रेस, वो सारे मजबूत है। लेकिन उन्हीं उसमें देखते हुए बारीकी से एक एक चीज़ की जांच की जा रही है और उसके इसमें इतना समय लगा है, लेकिन आज कल जल्दी ही आपके सामने फैसला हो जाएगा मजबूत उम्मीदवार यहाँ से। कोई पैराशूट के उम्मीदवार तो नहीं है सोनीपत में? नहीं नहीं नहीं, पैराशूट का कोई उम्मीदवार नहीं होगा, स्थानीय उम्मीदवार होगा। लेकिन उम्मीदवार की घोषणा होते आप देखोगे कि वहाँ घोषणा होते ही भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगी। लगातार बीजेपी निशाना साध रही है कि 70 से लगातार कांग्रेस थी देश में कुछ नहीं किया, विकास नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया था, 70 से देश को लूटा। देखिए, मैं तो इतना कहूँगा, जो लोग ये बोलते हैं कांग्रेस ने 70 में क्या नहीं किया, आज जो कुछ किया है और जो भी है सब कांग्रेस की देन है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जो सेल्फी से फ़ोटो खींचते हैं, ये भी राजीव जी की देन है, और कंप्यूटर लाए, ये भी राजीव जी की देन है, और इतने बड़े बड़े बांध बने, IIT, IMT, ये सब किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। और इन्होंने क्या किया है 70 ये तो सारा आज तक का जितने भी प्रोजेक्ट है सब कांग्रेस के ही तो हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो सिर्फ जातीय समीकरण लगाए हैं, देश से देश को लड़ाना, भाई को भाई से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ना, धर्म को धर्म से लड़ाना, और इनका कोई विकास का कार्य नहीं। ये तो सिर्फ भाई को भाई बांट कर राजनीति करते, असली जो एक धरातल पर जो काम करने वाली पार्टी है तो कांग्रेस है, जो कि आज चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगा कर और राजीव गांधी, मनमोहन सिंह तक। लोकसभा चुनाव से पहले अब की बार मुख्यमंत्री बदल दिया है बीजेपी सरकार। ये देखिए, कहीं ना कहीं इनकी घबराहट है, क्यों? इनको पता था, जो भी सर्वे आए हैं, अगर हालात अब की बार हरियाणा में दूसरी तरफ है, कांग्रेस की तरफ हालात बन रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने, इनकी मजबूरी थी अचानक CM बदलना, इनकी मजबूरी है ताकि CM बदल कुछ हालात ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कितने ही चेहरे बदल लो, अब की बार
कांग्रेस की मजबूती से सरकार बने। नायब सैनी चेहरे से कुछ बीजेपी फायदा ले पाएगी अब की बार? देखो कोशिश तो यही थी इनकी, लेकिन वो चीज़ नहीं है। लोग मन बना चुके हैं, कांग्रेस की तरफ मन बना चुके हैं, और यहाँ 10 साल में लोगों ने देख भी लिया अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक प्रचार का माध्यम है और कोई भी इनके पास ऐसी चीज़ नहीं जो कि धरातल पे काम किया हो। लगातार प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है, गठबंधन से अलग होने के बाद वो भी मैदान में आने का ऐलान कर चुके हैं। देखिए हालात बता रहे हैं, आपके सामने है, ये तो इनसे लोग कैसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल में कुछ किया होता तो लोगों में वोट मांगने के काबिल होते। आज लोग वही सवाल कर रहे हैं, भाई तुमने 10 साल में किया क्या है? तो आज इनकी हालात खस्ता है, ऐसी कोई बात नहीं। और ये तो बिल्कुल न भारतीय जनता पार्टी एक धरातल पे धड़म में से गिर चुकी है। लगातार बीजेपी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस में बहुत बड़ी फूट है, वो अपने परिवार को नहीं संभाल पाते तो प्रदेश को और देश को कैसे संभाले? देखिए ये तो इनकी बात है, ये आदत है, कहने दो इनको। ऐसा कांग्रेस में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, हाँ विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पार्टी में मतभेद नहीं। सर नियम और अनुशासन तो नहीं है जैसे बीजेपी में है, लगातार फूट मंच पे दिखाई देती है कांग्रेस की? तो नहीं, ऐसा कोई वो नहीं, सब एक साथ काम करेंगे और एक साथ सब कांग्रेस के लिए काम करें, कोई थोड़ा कर ले कोई ज़्यादा। क्या आपकी बार कोई पुराना लीडर है कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, ये मैदान में आएंगे लोकसभा में? देखिए तो हाईकमान का काम है किसको मैदान में उतारे, लेकिन जो भी आएगा मजबूत कैंडिडेट आएगा 10 के 10 सीटों। देखिए हमारे साथ कर खोदा से विधायक जयवीर वाल्मीकि दिन का कहना है कि अब की बार हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जो भी उम्मीदवार आएगा मजबूत उम्मीदवार आएगा और कांग्रेस बहुमत से अब की बार भारी जीत हासिल करेगी। सोनीपत से पवन राठी हरियाणा तक।